शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बड़ी जानकारी है ये। दरअसल ऋषि शर्मा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और अब ये बड़ी सफलता पुलिस को मिलती हुई इस मामले में। क्या आरोपी है ऋषि शर्मा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कहां से गिरफ्तारी हुई है ऋषि की, लेकिन अभी पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कई खुलासे और भी हो सकते हैं। क्योंकि इस मामले की अगर बात की जाए तो 40 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ये मुख्य आरोपी जो ऋषि शर्मा, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगती हुई और इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। साथ ही इस मामले में अभी तक 40 लोगों की गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है और अब ये जो मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा है, इसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आगे जब पूछताछ होगी ऋषि से तो क्या खुलासे होते हैं ये भी देखना होगा। कब गिरफ्तारी हुई, कहां से हुई, अभी ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिन पर तस्वीर साफ होनी बाकी है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिसके तहत 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही इस घटना में शामिल आरोपियों की करीब 5 करोड़ की संपत्ति को भी ध्वस्त किया जा चुका है और 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित इस की गई है। तो ये हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी हुई ये जो बड़ी खबर सामने आई है, मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि इस मामले में ऋषि शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अब ऐसे में आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ऋषि को, ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगती हुई। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इस मामले में 100 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित अभी तक किया गया है। साथ ही इस घटना में शामिल जो आरोपी हैं, करीब 5 करोड़ की संपत्ति को भी ध्वस्त किया जा चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से ये मामला सामने आया, हालांकि अभी तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब मुख्य आरोपी ऋषि को भी गिरफ्तार किया गया है, जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एसओजी की टीम ने देर रात ऋषि शर्मा जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस पूरे नेक्सस की कमर तोड़ने के लिए ऋषि शर्मा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। बीते एक हफ्ते ऋषि शर्मा फरार थे और अब जाके ऋषि शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जिले के बड़े अधिकारी, एसएसपी के अलावा ईडीजी, बड़े बड़े अधिकारी सब मौजूद हैं और ये नेक्सस जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जहरीली शराब कैसे बनाई जा रही थी, कहां से लाई जा रही थी, क्या जिले में और कहीं भी इसको बना के कहीं स्टोर कर रखा है। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो गहन पूछताछ कर रहे हैं ऋषि शर्मा से और उसके बाद ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर ये शराब कहाँ से आ रही थी। क्योंकि मिथनाइल की बात की जा रही थी, उसकी भी कई फैक्ट्रियां एसएसपी द्वारा बस की गई थी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से अभी शराब कांड पार्ट टू भी हम लोगों ने देखा कि कुछ जहरीली शराब को जो है वो नहर में बहा दिया गया और उससे शराब कांड पार्ट टू में 10 लोगों की मौत हुई। यानी शराब तो कहीं अभी जिले में और भी रखी हो सकती, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ। इसलिए उसको, हाँ, इसलिए वो जो शराब है उसको और लोगों तक ना पहुंचे, मजदूरों तक ना पहुंचे, कामगारों तक ना पहुंचे, उसको वहीं ध्वस्त कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि और मौतें ना हो, 100 के पार आंकड़ा जा चुका है। जैसे कि ने भी बताया था कि 99 तो उन्होंने पुष्टि की थी, इसके अलावा कहा था 3 मौतें और हुई हैं, वो तीनों भी कंफर्म हो गई हैं, तो यानी 102 आंकड़ा हो गया है। आंकड़ा बहुत बड़ा है और शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा जहरीली शराब का कांड होगा जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जी बिल्कुल, और इसीलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जहरीली शराब आई कहां से, क्या अभी भी कई ऐसे इलाके जहां पर हो सकती है, शायद उसका खुलासा हो जाए जब पूछताछ होगी ऋषि से। लेकिन आपने जानकारी दी कि देर रात गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें एसओजी की टीम ने शहर से ही पकड़ा है, जो मिली जानकारी अभी प्राप्त हो रही है अपने सूत्रों से, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई चीज स्पष्ट नहीं की गई है और कहां ये छुपा बैठा था, एक हफ्ते तक कहां था, कहां कहां गया, किन्होंने इनको शरण दी। ऋषि शर्मा को ये सारे जो बड़े सवाल है
क्योंकि जो लोग शरण दे रहे थे कहीं वो पॉलिटिकल कनेक्शन के नहीं है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्या गांव के लोगों ने तो कोई पनाह नहीं दे रखी थी? ये बड़े सवाल हैं जो जिनका अब उत्तर मिलेगा थोड़ी देर बाद। इंटरोगेशन जारी है, जिले के बड़े अधिकारी सारे मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि चीजें स्पष्ट हो, चीजें क्लियर हो, और उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद जो है वो वहां के जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आएंगे। क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं आंकड़े छिपाए जा रहे थे, आंकड़ों में गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा था, सांसद ने जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, ये सारी चीज हम लोगों ने देखी इस शराब कांड में। लेकिन अब क्योंकि बड़ी सफलता मिली है, जो मुख्य आरोपी तीन अभियुक्त बनाए गए थे उनमें से ऋषि शर्मा जो गायब था, क्योंकि इनाम भी लगातार बढ़ाया जा रहा था, 50,000 से 75,000, 75,000 से 1,00,000 कर दिया गया इनाम, और फिर कल उसको पकड़ लिया गया है। यानी ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि अब कुछ ही देर में जो है वो उन सबके जवाब हम लोग को मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और अभी आपने जानकारी भी दी कि 99 से ज्यादा लोगों की मौत हुई इस जहरीली शराब कांड के दौरान। लेकिन दूसरी तरफ लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए। पहले इनाम घोषित किया गया 50,000, फिर 75,000, और अब 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया कि किसी तरह से गिरफ्तारी हो सके। लेकिन अब जब पूछताछ की जाएगी और कौन कौन शामिल है, अभी तक 40 गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, शायद इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके और आगे ये घटना रिपीट ना हो, इसके लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक तो लगातार अभियान और कार्रवाई की जा रही थी, लोगों से बातचीत की जा रही थी, पुराने जो वांछित थे उनकी लिस्ट तैयार की गई थी। इसके अलावा जो लोग इन इन सब जहरीली शराब से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि कड़ी बाइस कड़ी पुलिस पकड़ती चली गई, लोगों को पकड़ा। जैसे बात करें तो विपिन यादव जो है मुख्य आरोपी था, उससे संबंधित करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऋषि शर्मा की कमर तोड़ने के लिए उसके परिवार के दोनों भाई, उनकी दोनों पत्नियां, इसके अलावा बेटे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, कुर्की की जा रही थी, ये तमाम चीजें थी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, कमर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जाके सफलता हाथ लगी है, पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब खुद पुलिस के अधिकारी ढूंढ रहे थे, और अब उम्मीद है कि उन सवालों के जवाब मिलेंगे और उसके बाद मीडिया से भी साझा किए जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन क्या कोई जानकारी अभी तक पुलिस अधिकारियों की तरफ से सामने आई है ऋषि को लेकर? नहीं, आपको बता दे अभी फिलहाल इंटेरोगेशन जारी है, पूछताछ जारी है, जिले के बड़े अधिकारी मौजूद है, खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कमान संभाल रखी है और गहन पूछताछ कर रहे हैं। तमाम जवाब हैं, तमाम सवाल हैं, माफ कीजिएगा, जिनके जवाब अभी लोग चाह रहे हैं, उनको खुद को पुलिस अधिकारी जानना चाह रही है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शराब जो है वो और तो नहीं रखी हुई है। बिल्कुल, और कहां से ये जहरीली शराब लाई जा रही थी और कौन कौन जुड़ा हुआ है इस मामले में, जब पूछताछ होगी तो ये भी शायद साफ हो जाएगा और इस पूरे मामले का खुलासा भी हो सकेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको हम ये बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ बीपी सिंह ने इसकी पुष्टि की है। सीएमओ के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 99 की मौत जहरीली शराब से ही हुई है, जबकि 3 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद 99 का आंकड़ा और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 20 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया 99 पोस्टमार्टम मास में हो चुके हैं, और जो मेरी सूचना है अभी 3 डेथ जो है अभी और हो गई है उसमें, तो 2 डेड बॉडी वहाँ मिली है जो आपका सिसरोई जगह जो है, और 1 डेथ जो है वो मेडिकल कॉलेज में हो गई है उस पेशेंट की, तो 3 डेथ और हो गई है, और 99 उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हो चुके थे। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ 99, ये वही है जो इसमें डेथ जिनकी हुई है इसमें सस्पेक्टेड शराब वाले में।